नमस्कारम, आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। मोटापा रोग ओबेसिटी कितना खतरनाक है। मोटापा रोग आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब किसी को गठिया होता है वह डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि अगर आपको गठिया ठीक करना है तो सबसे पहले आप अपना वेट घटाइए, मोटापा घटाइए। किसी को शुगर कंट्रोल करना रहता है, बीपी कंट्रोल करना रहता है, वह डॉक्टर के पास जाता है, बस वही डॉक्टर एक ही बात बोलता है कि आप यदि पूर्ण रूप से कंट्रोल करना चाहते हैं शुगर और बीपी को तो आप अपना मोटापा ओबेसिटी और वेट लॉस कीजिए, एक एक्यूरेट वेट पे आइए, एक प्रॉपर वेट पे आइए। और जब वजन ज़्यादा हो जाता है शरीर का, ओबेसिटी हो जाता है, शरीर मोटा हो जाता है तो शरीर देखने में भी बेडोल हो जाता है, सुंदरता जैसे गायब हो जाती है। और आजकल तो जीरो फिगर का चलन भी चला है। और आयुर्वेद के भी हिसाब से आयुर्वेद कहता है कि तीन प्रकार के लोग हैं, नॉर्मल लोग, मोटे लोग, पतले लोग। किस प्रकार के लोग ज़्यादा अच्छे हैं तो नॉर्मल लोग। यदि आप नॉर्मल नहीं रह सकते हैं तो मोटे की अपेक्षा पतला रहना ही ज़्यादा श्रेष्ठकर है, पतले लोग कम बीमार पड़ते हैं, यह बात सही है। जितने ज़्यादा मोटे लोग होते हैं जिनको ओबेसिटी है उनके शरीर को, उनके जो शरीर का हर्ट होता है, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करने में, ब्लड को पंप करने में हर्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, उसको हर्ट डिजीज ज़्यादा होने का खतरा रहता है। अब जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं पर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए जो लोग योग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो जिम नहीं जा सकते हैं, जो कुर्सी पे बैठ के जिनका काम है वो मोटापा से ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा यमी डाइट प्लान बताऊंगा, स्वादिष्ट डाइट प्लान, कि आप खूब खाएंगे और स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करेंगे और आप साथ में पतले हो जाएंगे, आपका मोटापा घटेगा, आपका रोग घटेगा और साथ में आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, आपका शरीर कुपोषित नहीं होगा और आपका शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, आपके शरीर में जो बैड सेल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। साथ में एक अध्ययन में अभी पाया गया है कि जितने मोटे लोग हैं उनको कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनके शरीर का मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्स का रेट वेरी डाउन हो, बहुत डाउन हो जाता है। तो क्या है यमी डाइट प्लान? एक ऐसा डाइट प्लान जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसमें जितना अधिक से अधिक उसको फॉलो करेंगे तो हर एक महीने में आप 5 से लेकर 10 किलो वजन बहुत आराम से कम कर सकते हैं। अब मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक का यमी डाइट प्लान के बारे में बताता हूँ, क्या खाना है, कैसे खाना है, सिर्फ आपको भोजन में परिवर्तन करना है। क्योंकि कुछ डाइटिंग प्लान ऐसे हैं जिसमें कह दिया जाता है कि आप डिनर मत करिए, ये मत खाइए, वो मत खाइए, तो लोग कर नहीं पाते हैं। ऐसा डाइट प्लान जिसमें आप खाएंगे तो खूब लेकिन आपका वेट भी लॉस होगा। सबसे पहले ओबेसिटी मोटापा का कारण क्या है? जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा अर्थात फैट बढ़ने लगता है, जब हम भोजन करते जाते हैं और आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर में फैट और कार्बोहाइड्रेट आने लगता है, उतना हम कार्य नहीं करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर में वह कार्बोहाइड्रेट और फैट जमा होने लगता है, उसी से हम मोटापा के शिकार हो जाते हैं। तो आप खाना तो खूब खाइए, भोजन तो खूब लीजिए, पर उसमें फैट की मात्रा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लेना है, बाकी पोषक तत्वों की मात्रा आपको भरपूर मात्रा में लेना है। तो आज मैं आपको ऐसा जूस, ऐसे भोजन बताऊंगा जिससे आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट और वसा को छोड़ के बाकी सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलेंगे और आपका मेटाबॉलिज्म रेट, बॉडी का डिटॉक्स रेट हाई हो जाएगा और आपका मोटापा कम हो जाएगा। कुछ कुछ लोगों का सिर्फ पेट ही निकल गया है, उनका भी पेट अंदर चला जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सुबह से। जब भी आप सो के उठिए सबसे पहले गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने से जहां आपके शरीर की सफाई होती है, आपके हाथों की सफाई होती है, आपका बॉडी डिटॉक्स होता है, वहीं वेट को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। इसके बाद आप जहां चाय पीते हैं, चाय की जगह यदि ग्रीन टी पियेंगे तो आपको वेट लॉस करने में, मोटापा कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। साथ में जो आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में आप कोई फल लीजिए या फिर कोई जूस लीजिए। जूस कौन सा ले सकते हैं आप? एलोवेरा जूस
आंवला जूस और थोड़ा सा अदरक का, 2 मटर के बराबर अदरक, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा लौकी का जूस, थोड़ा गिलोई का जूस, इसमें जितनी औषधियाँ आपके पास में जो भी जूस उपलब्ध हो उसको आप लीजिए। मात्रा क्या हो सकता है, लौकी का जूस 100 ml ले सकते हैं आप, गिलोय का जूस 10 ml 15 ml ले सकते हैं, और आंवला जूस आप 5 से लेकर 10 ml ले सकते हैं, एलोवेरा जूस 10 से लेकर 20 ml ले सकते हैं, थोड़ा सा अदरक 2 मटर के बराबर उसको आप साथ में इसका जूस निकाल के ले सकते हैं। जिनको कफ रोग है, जिनको सर्दी खांसी जुकाम की समस्या है, वो इसको थोड़ा सा गुनगुना करके लें और इसमें 1-2 दाना काली मिर्च मिला लें। ये जो खाद्य पदार्थ हैं इनमें बिल्कुल भी वसा, फैट, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और आपको भरपूर पोषक तत्व मिलेंगे, आपको कमजोरी नहीं आएगी, साथ में आपका ओबेसिटी भी घटेगा और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। यदि आप जूस नहीं लेना चाहते हैं तो इसको जगह सलाद लीजिए। सलाद में आप क्या ले सकते हैं, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा मूली और थोड़ा सा प्याज, खीरा, टमाटर सब स्लाइस कर लीजिए, बारीक बारीक टुकड़े में काट करके आप इनका सेवन कर सकते हैं। दोपहर के भोजन में आपको भोजन में क्या करना है, भोजन में आप चावल की मात्रा कम लीजिए और जो जैसा आप भोजन खाते हैं वैसा ही रखिए। अगर दाल खाते हैं तो दाल को थोड़ा पतली कर दीजिए, सब्जी को पतली कर दीजिए। जब आप दाल और सब्जियां पतली खाएंगे तो आप पतले होंगे, दाल और सब्जी आप मोटा खाएंगे अर्थात गाढ़ा दाल खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, क्योंकि दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा दोपहर के भोजन के साथ में आप थोड़ा सा छाछ या थोड़ा सा दही जरूर सेवन करें, साथ में आपको स्लाइस का अर्थात सलाद का प्रयोग जरूर करना है। साथ में आप चाहें तो कोई एक फल भी उपयोग कर सकते हैं या किसी फल का जूस भी उपयोग कर सकते हैं। फलों में पपीता, केला या कोई भी एक फल आप ले सकते हैं, अमरूद, सेब, संतरा, मौसमी, कुछ भी। सलाद का प्रयोग जरूर करें, आपको वेट लॉस करने में बहुत ही लाभकारी है। शाम के समय आपको लंच में क्या लेना है, लंच में आप कोई काढ़ा ले सकते हैं, किसी फल का जूस ले सकते हैं, या फिर आप कोई फल भी ले सकते हैं, और शाम के समय साथ ही कोई सूप भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और आपको एक मैं बढ़िया सा मसालेदार सूप बनाने की विधि बताता हूँ। आप टमाटर सूप ले सकते हैं या फिर मिक्स वेज सूप ले सकते हैं। मिक्स वेज सूप में आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा भिंडी, थोड़ा सा पालक का जूस या थोड़ा पालक की पत्तियाँ, थोड़ा पत्ता गोभी की पत्तियाँ, थोड़ा शिमला मिर्च, थोड़ा नींबू, थोड़ा अदरक और कुछ मसाले जैसे दालचीनी, 1 तेज पत्ता, थोड़ा 2-4 दाने काली मिर्च, 1 लौंग, 1 इलायची, नमक आप जो भी प्रयोग करते हैं उसको प्रयोग करिए, थोड़ा सा प्याज इत्यादि मिला के आप एक यमी सूप बनाइए। कुछ मार्केट में बने बनाए भी सूप मिलते हैं, जैसे ब्रोकली का सूप, मशरूम का सूप, आप इन सूप को घर पे भी इसी विधि से बना सकते हैं। सूप में देखिए कार्बोहाइड्रेट बहुत कम पाया जाता है, फैट बहुत कम पाया जाता है, बाकी मिनरल्स, विटामिन्स और अन्य जो पोषक तत्व हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सूप हमारे वजन को घटाने में बहुत ज़्यादा सहायक है। आप सूप का प्रयोग सुबह, दोपहर, शाम, सुबह ब्रेकफास्ट में, दिन दोपहर में खाते वक्त और शाम के समय लंच में और डिनर के वक्त भी ले सकते हैं। आप इतना एक रूल बना लीजिए कि 25% आपको सूप जरूर लेना है। लौकी का जूस वेट लॉस करने में और हर्ट को मजबूत करने के लिए रामबाण औषधि है। रात के समय आप फल का सेवन ना करें, दही का सेवन ना करें, क्योंकि डाइटिंग के लिए फल और दही बहुत अच्छा है, पर रात के समय इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
रात के समय आपको क्या लेना है, कोई हल्का सा हल्का भोजन या फिर कोई सूप। सूप में फिर वही, आप कोई सिंगल सूप भी ले सकते हैं, मार्केट में बना बनाया सूप ले सकते हैं, टमाटर का सूप ले सकते हैं, थोड़ा लौकी का सूप ले सकते हैं, या फिर थोड़ा टमाटर, थोड़ा लौकी, थोड़ा गाजर, थोड़ा धनिया का पत्ता, थोड़ा शिमला मिर्च, नींबू, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियां जो भी उपलब्ध हों, या किसी जो बीन्स होती हैं, बीन्स का भी आप सूप बना सकते हैं, राजमा का भी थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं, राजमा के कुछ दाने ले सकते हैं स्वाद को इन्हेंस करने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए। रात के समय में आपको अपने भोजन में 50% सूप रखना है। टमाटर सूप, कोई भी मार्केट का बना बनाया सूप, ब्रोकली सूप, मशरूम का सूप, बहुत सारे सूप मार्केट में उपलब्ध हैं। मसाला मैंने आपको पहले बता दिया कि आप यदि घर पे सूप बना रहे हैं तो उसमें 1-2 दाने काली मिर्च, 1 लौंग, 1 इलायची, 1 तेज पत्ता और थोड़ा सा दालचीनी, हरा मरचा का प्रयोग जरूर करें उसमें, बारीक बारीक हल्का सा नींबू भी डाल सकते हैं। इसको डाल करके आप जो भी हरी सब्जियां हैं उनको बारीक बारीक काट करके उबाल लीजिए, या फिर मिक्सी में पीस करके उबाल लीजिए। बहुत ही यमी डाइट प्लान तैयार होता है, बहुत यमी सूप तैयार होता है। और साथ में जैसे आप रात को डिनर में जहां चार रोटियां लेते थे, अब वहां पे आपको सिर्फ 2 रोटी लेना है, बाकी आपका सूप रहेगा। रात को सूप लेना जरूरी है। सुबह, दोपहर, शाम तक आप या तो फल ले सकते हैं, या तो कोई जूस ले सकते हैं, या फिर छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, और रात को भी आप दूध ले सकते हैं। और एलोवेरा जूस, आंवला जूस, लौकी जूस, अदरक का जूस, थोड़ा नींबू का, 4-6 बूंद नींबू का रस या आधा नींबू का जूस भी आप दिन में ले सकते हैं। साथ में जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जिनको गर्मी ज्यादा लगती है, जिनके हाथ पैर में जलन होता है, उनको खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे नींबू, इमली, जितने खट्टे फल हैं उनका या खट्टी दही का सेवन उनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह दिक्कत उनकी बढ़ जाएगी। जिनका लीवर डैमेज हो वो भी खट्टे फल का प्रयोग ना करें। तो ये एक छोटा सा यमी डाइट प्लान बहुत ही लाजवाब है, इसमें आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें खाने के लिए मिल रही हैं, और आप खूब खाएंगे, पोषक तत्व भी आपके शरीर में बढ़ेगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा। जो लोग नॉर्मल डाइटिंग नहीं कर पाते हैं, वह यह प्लान उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको खाने के लिए बहुत ऑप्शन मिल रहा है। तो आप इसको यदि करेंगे तो 1 महीने में मिनिमम 5 किलो वेट आपका लॉस होगा, और यह आजमाया हुआ नुस्खा है, कई लोग के ऊपर आजमाया गया है, और आपके शरीर में स्फूर्ति बढ़ेगी। इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, और आप मेरे वीडियो पर यदि पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।